हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नेहा राही। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने पेश हुई हूँ अपनी कुछ कविताएं लेके। आशा करती हूँ आपको ये कविताएं भी पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है कुछ तो बताओ। कुछ तो बताओ, ये आंसू खुशी के हैं या गम का कोई सैलाब उमड़ा है। कुछ तो बताओ, तुम खुद रोए हो, तुम्हें भी इश्क में रुलाया गया है। तुम यूँ शांत क्यों हो, क्या तुम्हारे जज्बातों के साथ अल्फाजों को भी कोई कुचलाया है। कुछ तो बताओ, ये आंखों ये पलकों में नमी क्यों है, ये बारिश की बूंदे हैं या मन में समुद्र ठहराया है। कुछ तो बताओ, मन की बात यूँ आंखों से बयां करते हो, क्या तुम्हारी कलम भी कोई महफिल में तोड़ आया है। कुछ तो बताओ, तुम वही शायर हो ना जो हर बात शायरी से बयां करते थे, शब्दों को भूल गए हो या भुलाया गया है। यूँ खफा होना आदत ना थी तुम्हारी, तो खुद रूठ गए हो या सताया गया है। तुम खुद रूठ गए हो या सताया गया है। इस महफिल के मशहूर शायर थे तुम तो मशहूर शायर थे इस महफिल के, तो गजलों से बैर हुआ या तुम्हें अधूरे इश्क में ठुकराया गया है। तुम्हारी टूटी कलम उन शायरियों पर बिखरी थी, तुम्हारी टूटी कलम उन शायरियों पर बिखरी थी जिसमें इश्क की दास्तां लिखी थी। सच बताओ, वो स्याही खुद बिखरी थी या उन गजलों को मिटाया गया था। शुक्रिया। अब मेरी दूसरी कविता स्टार्ट करते हैं, जिसका शीर्षक है तेरी यादों में कैद। मेरी मोहब्बत अधूरी थी तो मैं कैद इसमें पूरा क्यों। तू आजाद है उन वादों से तो मैं इनमें बंधा क्यों। मेरी जरूरत नहीं तुझे तो मेरे जीवन में तेरी कमी क्यों। तू बेपरवाह है मेरे अश्क से तो मुझ में तेरे लिए कशिश क्यों। तू बेपरवाह है मेरे अश्क से तो मेरे लिए तो मुझ में तेरे लिए कशिश क्यों। तेरा वापस ना आना हुआ जहाँ मैं उन्हीं राहों पे खड़ा क्यों। मैं जीवित हूँ तुझ में कहीं तो तू मुझसे जुदा क्यों। शुक्रिया।